Very good morning, dear students. Welcome to the physics class. In the previous lecture, we already talked about what is the law of conservation of linear momentum. Today, we will discuss about rocket propulsion. Rocket propulsion is based on the law of conservation of momentum, means total momentum before collision is equal to total momentum after collision. With the help of conservation of momentum, we will find how rocket works and how its velocity and mass changes when rocket moves upward. First, consider a rocket when time equal to zero, means कि जो ये rocket है ये अभी start नहीं हुआ है, ये हमारे पास rest position में है. उस केस में क्या होगा कि उसके पास कुछ हमारे पास मास होगा, उस रॉकेट के हमारे पास कुछ वेलोसिटी, मींस कि अभी तो वो मूव नहीं कर रही होगी, फिलहाल तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो. सो एम नॉट एंड अ वी नॉट आर द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, एट एनी इंस्टेंट, मींस कि अब क्या किया कि रॉकेट मूव करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी टाइम टी के ऊपर अब वो रॉकेट मूव कर रहा है, मीन्स उसके पास वेलोसिटी आएगी, दैट इज़ अ वी. अब रॉकेट का मास कितना है हमारे पास, एम. ये जो रॉकेट के मास की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास क्या आएगा कि उस रॉकेट का मास आएगा और जो रॉकेट में हमारे पास फ्यूल होगा उसका भी मास होगा. तो ये टोटल मास होगा रॉकेट का एज वेल एज फ्यूल का. व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो, एम इज़ द मास ऑफ द रॉकेट. अब क्या कर रहा है कि जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन पे हो रहा है हमारे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे. और जो रॉकेट है वो मूव कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारे पास वहाँ पे मूव कर रहा है. इस केस में हमारे पास मास क्या है, स्मॉल एम. आफ्टर सम टाइम, मीन्स की स्मॉल टाइम लेते हैं हम डी टी, सो टाइम इक्वल टू टी प्लस डी टी. उस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, अब फ्यूल बर्न कर रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास अभी जी है, रॉकेट मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी में क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज आ रहा है. जो वेलोसिटी में इंक्रीज आया इन द टाइम इंटरवल डी टी, दैट इज डी वी. सो द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इन दिस केस इज अ वी प्लस डी वी. And mass is decreased by small amount, that is dm. जब time dt था हमारे पास, तो जो हमारे पास decrease आया mass में, that is dm. Now mass become m minus dm. Now next step is according to the principle of conservation of linear momentum. Before momentum is equal to after momentum. इस केस में हमारे पास जब टाइम टी था तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो मोमेंटम बिकम्स पी इक्वल टू एम बी, मीन्स एम बी बिफोर कोलिजन. ओके, जब टाइम हमारे पास टी था, आफ्टर सम टाइम टी प्लस डी टी, देन मोमेंटम इज. अब क्या होगा इस केस में, जब हम मोमेंटम देखेंगे हम रॉकेट का मोमेंटम भी देखेंगे, और ये जो फ्यूल हमारे पास बर्न हो रहा है उसका मोमेंटम भी हम साथ में प्लस करेंगे, वो हमारे पास रॉकेट टोटल क्या होगा, मोमेंटम. सो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या आ जाएगा, जो डिक्रीज आया हमारे पास मास में, एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी अब वी प्लस डी वी. तो रॉकेट की बात होगी, और फ्यूल की भी बात हम साथ में करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आएगा स्मॉल चेंज, दैट इज उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डी एम से. अब देखो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है, दैट इज अ वी जी. अब वी जी जो है हमारे पास इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, रॉकेट मूव हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वी जी आ जाएगा. ये वी जी क्या हमारे पास, ये जो गैसेस बर्न हो रही है उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ओपन द ब्रैकेट्स. इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, एम वी एम वी यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं. वी नो दैट डी एम एंड डी वी आर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज, सो देयर प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल. मीन्स कि अगर ये स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं तो ये जो इनका प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, निग्लिजिबल कर देंगे. तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम डी वी इस साइड लिखेंगे तो इक्वल टू, ये दोनों टर्म हमारे पास किसकी बन जाएगी, पॉजिटिव की. नाउ वी टेक डी एम कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, सो डी एम ब्रैकेट स्टार्ट अ वी प्लस अ वी जी, दैट इज द इक्वेशन वन. Now next step is, now we take relative velocity of exhaust gases with respect to the rocket as u. जो हमारे पास अब अभी जी क्या है हमारे पास, ये जो गैसेज बर्न हो रही है उनकी वेलोसिटी,
और अभी हमारे पास रॉकेट वेलोसिटी है। तो इन जो हमारे पास ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों की, उसको हम किस क्यूब को ले लेंगे, यू क्यूब, स्मॉल यू क्यूब। एज द गैसेस एंड द रॉकेट आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब क्या हो रहा है, ये जो गैसेस हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं और रॉकेट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो ये जो यू आएगा इसको क्या लेंगे हम, माइनस यू। सो अ वी प्लस अ वी जी इक्वल टू माइनस यू। अब इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, नाउ एम डी अ वी इक्वल टू माइनस यू डी एम। ओके, नाउ डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम ओवर एम, दैट इज द इक्वेशन टू। नाउ एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम हमारे पास जीरो था, मीन्स की जो रॉकेट हमारे पास था वो रेस्ट पोजिशन पे था, उस कंडीशन पे हमारे पास मास किस पे इक्वल था, एम नोट एंड वेलोसिटी इज अ वी नोट। आफ्टर सम टाइम टी मास बिकम एम एंड वेलोसिटी इज अ वी। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट, सो इक्वेशन बिकम दिस, लोअर लिमिट इज वी नोट एंड अपर लिमिट इज अ वी, एंड इन दिस केस लोअर लिमिट इज एम नोट एंड अपर लिमिट इज एम। Now u is the constant, so take it outside from the integration, because velocity of exhaust gases is constant throughout the firing of the rocket, means ki jaise jaise hamare paas rocket move kar raha hai to jo hamare paas gases ki velocity hai to unki velocity kya rahegi hamare paas constant, isliye ye term hamare paas integration se bahar aa gayi, dv ki integration away। Now put the limits av minus av naught 1 over m dm ki integration hote hai log em। Now put the limits, this equation become log e m minus log e m naught minus u as it is। अब ये हमारे पास माइनस का साइन है, वी नो दैट व्हेन log a minus log v इक्वल टू log a अपॉन b, सो a किसके इक्वल है हमारे पास m के इक्वल, और v किसके इक्वल है हमारे पास m naught, log e m over m naught। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ पे माइनस का साइन था, अगर ये डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर के साथ चेंज कर दिया तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, u log e m naught over m, ये हमने निकाल ली वेलोसिटी। ओके, दिस इक्वेशन गिव अस द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी व्हेन इट मास इज एम, जब इसका मास एम था तो ये हमारे पास टाइम टी के ऊपर इसकी वेलोसिटी है इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बर्न आउट स्पीड, मीन्स कि ऐसी रॉकेट्स की स्पीड जब हमारे पास जो पूरा फ्यूल है उसका बर्न हो चुका होता है और जो उसका मास आएगा रॉकेट का वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास मास ऑफ द कंटेनर के इक्वल आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे मास कितना था एम, m equal to mc, mc means mass of the container, it is denoted by avv, av को replace कर देंगे avv के साथ, that is the burnt out speed u log e f naught over mc। Next is up thrust on the rocket, up thrust means कि ऐसी force जो upward direction पे apply हो रही है, it is the force with which the rocket move up, upward, ऐसी force जिसकी वजह से जो rocket है वो upward direction की तरफ move करता है, thus it is the upward force exerted on the rocket by the ejection of the exhaust gases, means ki aisi force jo hamare paas rocket ko help karti hai upward direction pe move karne ke liye, for this dividing equation 2 by dt, divide kar denge equation 2 ko dt ke sath hum yahan pe, so dv over dt equal to minus um dm over dt, we know the change of rate of change of velocity equal to acceleration, so a equal to minus u over m dm over dt, m को इधर लेके जाएंगे, m में इक्वल टू माइनस यू डी एम, वी नो दैट f इक्वल टू m में f आ जाएगा माइनस यू डी एम ओवर डी टी, दिस इज द अप थ्रस्ट फोर्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज अपवर्ड, इसके ये क्या बता रहा है कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास डायरेक्शन है रॉकेट की वो कौन सी डायरेक्शन पे, हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारे पास है, और वो किसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैसेज, मीन्स की जो गैसेज है उनकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड में है और जो रॉकेट की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।